जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। शोपियां इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी LOC दौरे पर जाएंगे। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आपको बता दें, आज 3 आतंकी मारे गए हैं। कल भी 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा था। इस साल अब तक कुल 136 आतंकियों को मौत के घाट सुरक्षा बल उतार चुके हैं। जुलाई के महीने में लगातार आतंकियों का खात्मा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 आतंकी ढेर हुए। 13 जुलाई को अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए। 12 जुलाई को सोपोर में 3 आतंकी ढेर हुए। 11 जुलाई को कुपवाड़ा में 3 आतंकी मारे गए, जबकि 4 जुलाई को भी कुलगाम में 2 आतंकी ढेर किए गए थे। इस साल की बात की जाए तो अब तक कुल 136 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में 100 बड़ी खबरें।